हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्टी गर्ल। हाल ही में एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने एक फेस पैक रिवील किया था इंस्टाग्राम पे, वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आपका व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा। सेकंड इंग्रेडिएंट है आपका टर्मरिक, हल्दी। थर्ड इंग्रेडिएंट है आपका कर्ड, दही। फोर्थ इंग्रेडिएंट है हनी, शहद। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट, फिफ्थ वन, इज लेमन, नींबू। आपको एक एम्प्टी बोल, खाली प्याला लेना है। उसमें आपको 2 चाय के चम्मच गेहूं का आटा ऐड लेना है। गेहूं का आटा इसके लिए क्योंकि ये स्क्रबिंग आपकी फेस की बहुत अच्छी करेगा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब रिमूव हो जाएंगे। उसमें आपको पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करना है, चुटकी भर हल्दी ऐड करना है। देन आपको 2 चाय के चम्मच इसमें दही ऐड करना है। उसके बाद आपको 15 से 20 कतरे नींबू के डालना है इसमें, 15 टू 20 ड्रॉप्स ऑफ लेमन ड्रॉप्स। देन आपको इसमें हनी यूज़ करना है, हनी ऐड करना है 1/2 चाय का चम्मच। फ्रेंड, ये मास्क इतना ज़बरदस्त है ना, आप ख़ुद लगा के देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा ये आपको। हमने गेहूं का आटा इसके लिए यूज़ किया है। गेहूं का आटा आपकी ऑयल कंट्रोल करता है, सेबम को बैलेंस करता है। हल्दी आपकी स्किन को ब्राइट करती है, दाग धब्बे मिटाती है। दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम होता है जो स्किन को बैलेंस करता है, स्किन टोन को बैलेंस करता है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो जिद्दी दाग धब्बे आपके चेहरे पे हो जाते हैं, सनटैन हो जाते हैं, उसको रिमूव करता है। हनी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ग्लो देता है स्किन को। आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी थोड़ी वीक लगी तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए जैसे मैं उन्हें बताया है। उसके बाद आपको अपने फेस पे, नेक पे एंड हैंड पे अप्लाई करना है। इसको आपको 20 से 25 मिनट तक लगा रहने देना है। जब ये हल्का सा ड्राई होने लगे तो हल्का सा हाथ में पानी लेके इसको स्क्रब कर लें। स्क्रब करने से क्या होगा, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब रिमूव हो जाएंगे। देन आप इसको प्लेन वाटर से वॉश कर लें एंड सी द रिज़ल्ट। फ्रेंड्स, इज एन ऑसम मास्क। ये देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग और क्लीन हो गई है। आप ज़रूर मस्ट ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट से बताएं कि आपको कैसा लगा।